चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो पोएम का नाम है बच्चों, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन हमारा, टू हुम आर द वर्ड्स ऑफ द पोएट एड्रेस्ड। अब कवि जो है, लेखक कवि जो है, वो जो शब्द कह रहा है वो किसको एड्रेस कर रहा है, यानी कि किससे कह रहा है वो शब्द। द वर्ड्स ऑफ द पोएम आर एड्रेस्ड टू गॉड टू हुम द पोएट कॉल्स हिज फादर। ये शब्द जो हैं इनके द्वारा, इनके माध्यम से कवि जो है वो भगवान को संबोधित कर रहा है, गॉड को संबोधित कर रहा है, जिसको पोएट अपने फादर बताता है, जो हम सबका पिता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन टॉपिक और आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का मेन टॉपिक या मेन आइडिया क्या है, एंड इन विच पार्ट ऑफ द पोएम इज इट टू बी फाउंड, और ये कौन से पार्ट में हमको मिलेगा। द मेन टॉपिक ऑफ द पोएम इज टू बी फाउंड इन द लास्ट पार्ट। मेन टॉपिक जो है हमको लास्ट पार्ट में मिलेगा। द पोएट टॉक्स अबाउट अ प्लेस दैट इज फ्री ऑफ वाइसेस वेयर नॉलेज एंड वर्च्यू रीन्स, एंड ही आस्क्स हिज गॉड हिज फादर टू टेक द पीपल टू हिज कंट्री इन टू दिस हेवन ऑफ फ्रीडम। दिस इज द सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो हमको पता, ये जो मेन टॉपिक है कविता का, उसके बारे में जानकारी मिलती है लास्ट पार्ट के अंदर, और कवि जो है वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, प्रेयर करता है कि इस धरती पर जो लोग हैं इनको बुराइयों से मुक्त कर दो, इनको ज्ञान का दीप इनके अंदर जला दो, इनके अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर दो और एक अच्छा अनुशासन इनके जीवन में भर दो। और वो खुदा से कहता है कि हे पिता, हम सबको, इस पूरे धरतीवासियों को अपने देश में ले जाओ, यानी कि हेवन ऑफ फ्रीडम। भगवान जो, जहाँ पर खुदा रहते हैं, गॉड रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो रहते हैं स्वर्ग लोक के अंदर। तो कवि कामना करता है कि हे प्रभु, हम सबको आप स्वर्ग लोक में ले चलो, जहाँ पर सब आज़ादी से जिएंगे, बुराइयों से दूर। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है यहाँ पर, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब रीज़न। द पोएट डिस्क्राइब्स रीज़न एज बीइंग अ क्लियर स्ट्रीम। अब कवि ने रीज़न किस प्रकार से डिस्क्राइब किया, कवि ने रीज़न को एज बीइंग अ क्लियर स्ट्रीम, एक सीधे सीधे वे में उन्होंने दर्शा दिया है, यानी कि घुमा फिरा के कोई बात नहीं किया, सिर्फ कारण को ही उन्होंने मेन क्लियर स्ट्रीम में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डज ही डिस्क्राइब हैबिट। हैबिट को किस प्रकार से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ही डिस्क्राइब्स हैबिट एज बीइंग डेड लाइक ड्रेरी डेजर्ट सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो है, विच अदर वर्ड्स डज द पोएट यूज टू एड्रेस फादर। अपने पिता को एड्रेस करने के लिए कवि उन किन शब्दों का यूज करता है, टू होम डज फादर रेफर, फादर किसको रेफर करता है। द अदर वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द फादर इज द फादर, हेयर रेफर्स टू गॉड। हमने पहले ही पढ़ लिया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि फादर यहाँ पर गॉड को संबोधित किया गया है और उसके लिए दूसरा शब्द यूज किया गया दी। चलिए इस पोएम का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वॉट डू यू थिंक द पोएट मीन्स बाय रीजन। बाय रीजन द पोएट मीन्स दैट वी मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एंड दिस क्लियर स्ट्रीम ऑफ थॉट विल कीप आवर माइंड फ्रेश। कवि रीजन से क्या तात्पर्य हमारे सामने रखता है, उसके बारे में वो क्या सोचता है। रीज़न से कवि का मतलब है कि हम सबको प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए, और यही एक क्लियर रास्ता है अपने दिमाग को फ्रेश रखने का, शुद्ध रखने का। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डू यू थिंक ही मीन्स बाय हैबिट। अब कवि जो है हैबिट, उन्होंने इस कविता के अंदर हैबिट, हमारी आदत से भी, ये भी शब्द जो है इसका उपयोग किया है, इसका मतलब क्या है। ही मीन्स दैट एक्शंस शुडंट बी परफॉर्म्ड प्योरली ऑफ आउट ऑफ हैबिट, वी शुडंट डू थिंग्स बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज डन, वी शुड थिंक विद अ क्लियर माइंड एंड लीड आउट डेली लाइव्स इन अ न्यू वे एवरी डे, एल्स वी विल बी डेडेंड बाय हैबिट। कवि ने हैबिट से हमें बताया है कि सिर्फ हैबिट के कारण हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हम बोलें कि भाई हमें तो आदत है ही करने की, तो भाई वो काम भले सही है गलत है, आपको आदत है तो आप गलत काम भी करोगे, नहीं। तो कवि कहते हैं कि सिर्फ आप करना चाहते थे, आपकी आदत है इसलिए आप उस काम को कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने माइंड को क्लियर रखना है और हमें किस प्रकार का जीवन जीना है उसके हिसाब से हमें हर रोज़ अपनी आदतों को बदलना होगा।
बुरी आदतों को दूर करना होगा, अच्छी आदतों को हमारे जीवन में शामिल करना होगा। तो इसके माध्यम से कवि हमको बताता है कि किस प्रकार से हमारी खराब आदतें हैं उनको सिर्फ हम इस वजह से परफॉर्म नहीं करेंगे कि वो हमारी आदत है, हमें उसको बदल कर सोच विचार करके सही जो हमारे कर्म है उसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो दैट्स ऑल चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।